नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागवनपल्ली ने कहा, सभी का समर्थन उनके साथ है और उनकी जीत तय है। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति ने जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागवनपल्ली को समर्थन देने का किया ऐलान। बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि सिद्धरामैया वरुणा से चुनाव बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि कर्नाटक में जो सरकार सत्ता में आई चोरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर कर्नाटक में हमला तेज किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। बीदर के संपूर्ण विकास की योजना है, हर किसी का समर्थन, जेडीएस के साथ रहने की बात बीदर उत्तर के जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागवनपल्ली ने कही। वह आज केपी न्यूज चैनल में खास बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी जीत तय है, इसमें कोई शक नहीं। क्षेत्र के हर समुदाय और वर्ग का उनको समर्थन है। उन्होंने न्यूज एडिटर डॉक्टर मसूद से बात करते हुए जिले के संपूर्ण विकास के संबंध में बात की। नमस्कार, आज हमारे साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बीदर उत्तर सीट से, बीदर सिटी की सीट से यंग लीडर जेडीएस कैंडिडेट मिस्टर सूर्यकांत नागवनपल्ली हैं। वेलकम टू अवर स्टूडियो सर। नमस्कार। और मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने जो है इस माहौल में, इस अपने प्रचार के माहौल में थोड़ा सा समय निकाल के हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। तो सर, आपसे यह जानना है कि अभी आपकी स्थिति कैसी है फील्ड में, क्योंकि अब तक आपने जो प्रचार किया है बीदर नॉर्थ में और बीदर सारे काउंसिल के वार्ड्स में फिरा है, सभी समुदाय के लोगों से मिला है, तो हालात कैसे हैं? पहले तो मैं सभी को मेरा नमस्कार और केपी न्यूज चैनल देश और सारे देश की खबरें केपी न्यूज पे बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करते। ये केपी न्यूज आके एक समाज का आईना बन गया है, जो हकीकत है वही दिखता है। तो इसीलिए पहले तो उनको सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ और केपी न्यूज के पूरे दर्शकों को मेरा प्रणाम और मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है, आपका आशीर्वाद मेरे साथ पूर्ण है, आप पूरे मेरे को समर्थन कर रहे हैं। आज क्रिश्चियन, एससी, एसटी, लिंगायत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बिकॉज सभी लोग पे दिमाग में आ गए एक बार सूर्यकांत नागवनपल्ली जी को चांस देंगे, जेडीएस सीरियल नंबर 5 पे वोट डालेंगे और डेवलपमेंट माइंडेड है बोल के सभी को एक डिसीजन हो गया है। सर, एक सवाल जरूरी है, ये दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपके वोटर्स भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार अपनी पिछली बीजेपी पार्टी में लगातार संघर्ष करते आए, पार्टी के साथ जुड़ के उनके लिए काम करते रहे, पार्टी के वफादार बने रहे, बिल्कुल ऐन वक्त पर आपका टिकट काटा गया। ये टिकट काटना कोई एक साजिश का हिस्सा था या कोई एक नैतिक रूप से ऐसा इसको किया गया? मैंने पहले भी बताया है सर, मुझे जो अच्छा करे उनको अच्छा होने दो, मुझे जो बुरा भी किए तो उनको अच्छा होने दो, मेरे को किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ उनसे भी ये बात पूछना है, उनका भी मत हमें डालिए, उनका भी वोट जेडीएस को डाल के आशीर्वाद दीजिए बोल के उनसे भी विनती करना है, सभी से यही विनती करना है कि डेवलपमेंट के लिए एक मौका दीजिए, डेवलपमेंट के लिए एक चांस दीजिए। अभी देखिए पिछले कोविड के समय में कौन कहां पर थे बोल के सभी आपको मालूम है। वक्त के साथ, हर कौम के साथ, हर समाज के साथ मैं निरंतर काम करता आया हूं। एज फार एज डेवलपमेंट इज कंसर्न, वोट सिटी का हॉस्पिटल लीजिए, बीदर का एयरपोर्ट लीजिए, कर्णा भवन लीजिए, विश्वकर्मा टेम्पल लीजिए, 7 मस्जिद लीजिए, 108 मंदिर लीजिए और चर्चेस लीजिए, हर समाज को मैं काम करते आया हूं और मेरे डेवलपमेंट के बारे में लोग जानते हैं और आप खुद देखें, हमने कैंप गली गली, घर घर, गांव गांव कैंप लगा के हमने सेवा किया है, सेवा की भावना है। सब आने वाले दिनों में आपकी क्या योजना है, क्योंकि युवाओं से आपकी बहुत ज्यादा उम्मीदें बनी हुई हैं और एक वेव लगा हुआ है सूर्यकांत, सिर्फ सूर्या नाम से जो फेमस हो रहा है, भाई गाने चल रहे हैं या जो भी चल रहा है, पूरा नाम लेने से ज्यादा जो है एक टाइटल दे दिया है आपको सूर्या भाई, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए आप क्या करेंगे आने वाले? पहले तो उनको सभी का धन्यवाद। मैं जेडीएस पार्टी ज्वाइन होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जो होने वाले हैं कुमार स्वामी जी से बात किया तो बोले आइए आप, हम आपको टिकट देंगे। तो मैं उनसे विनती किया, सर मुझे कुछ समय दीजिए, मैं पार्टी ऑफिस आने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। तो मेरे पास कुछ मुद्दे थे ये बीदर डेवलपमेंट के बारे में, 22 टीएमसी वाटर शेयर वॉज अवर्स, जो पानी जो आ रहा है गोदावरी से जो बहते हुए मांजरा की तरफ से तेलंगाना जा रहा है, जो सिंगनूर डैम जा रहा है,
अगर वो पानी हम इस्तेमाल करेंगे, बैकवाटर्स ऑफ सिंगनूर डैम ब्रिज कम बैरेंज बनाएंगे, लिफ्ट इरिगेशन करेंगे, तो एक जनवड़ा सर्कल मड़ेगांव सर्कल इरिगेट नहीं होता है। साथ साथ में आज 500 मीटर के अंदर पानी जा रहा है बोरवेल, अभी 5 साल छोड़ेंगे तो 1000 मीटर अंदर जाना पड़ेगा। पीने को तो पानी नहीं मिलेगा, स्नान करने को भी पानी नहीं मिलेगा, उतना बुरा हालत होएगा। उसीलिए किसानों को भी मदद होएगा, और जो बीदर बढ़ रहा है वो बढ़ते हुए बीदर को अभी देखो, घर घर पानी हर घर पानी बोल के नल बनाए, लेकिन पानी कहाँ है? वी नीड वाटर। तो वाटर के लिए अगर हम लिफ्ट इरिगेशन कर लेके बैक वाटर से ब्रिज कम बैरेज बना के कर लिए, तो डेवलपिंग बीदर को, जो रिंग रोड तक बीदर बढ़ गया आज, तो उन सभी घर को पानी भी आएगा, और साथ साथ में बोड़ियों को पानी आएगा, बोरवेल्स को पानी आएगा, और उसके साथ में किसानों को एक फसल के बदले में दो फसल खा सकेंगे। सर, युवाओं के लिए यहाँ पे, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा फैली हुई है बीदर में, अब तक जो भी हुआ है युवा पीढ़ी के लिए, उनके रोजगार के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है जितनी भी गवर्नमेंट बनी? मैं पिछले 3 बार गुरुपाद अपन अखबार पल्ली फाउंडेशन की तरफ से मैंने एक उद्योग मेला रखा था, जॉब फेयर। मेरे ख्याल से 3500 लोग मेरे हाथ पे ही, जो जिनको नौकरी मिला है बेंगलुरु में काम कर रहे, उनका सैलरी जब 8000 था 2014 में, जब 18 में जब किए तो ऑलमोस्ट अराउंड 2006 लोगों को जॉब हुआ था। दे यूज टू गेट 8000 to 10000 सैलरी, आज एक एक को 60000 70000 80000 सैलरी आ रहा है। हमारे पिताजी गुरुपाद अपन अखबार पढ़ लीजिए, जो शुगर फैक्ट्री करके एम्प्लॉयमेंट भी कर दिए और किसानों को मदद करने से उधर भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। साथ साथ में 1993 में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, 13 महिलाओं को जो शोषित थे, जो गरीब थे, जिनके पास उद्योग नहीं था, वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकते थे, वैसे लेडीजों को पिताजी ने ना जात बात देखते हुए हर कम्युनिटी को, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को 1 लाख रुपए देके हर लेडी 10-10 रुपए सेव करते थे। आज पहले देखिए होंगे महिलाओं 10-10 रुपए डब्बे में पैसा डाल के रखते थे, आज हर गांव में किसी को स्कूल फीस भरना है, कॉलेज का फीस भरना है, इमरजेंसी हॉस्पिटल का फीस भरना है, अगर कोई किसान को कुछ बीज खरीदना है, तो आज 460 गांव में 5,24,000 महिला मेंबर जो है वही आज मदद करते हैं पूरे वो गांव को और विलेज को, एंड दे आर लाइक एनी टाइम ATM। उधर एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ। साथ साथ में जब होने वाले मुख्यमंत्री जो कुमार स्वामी जी से जब बात किया, तो आई हैड रिक्वेस्टेड हिम, अवर कोलार इंडस्ट्रियल जो एरिया जो है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज थे वो आए, सब्सिडी यूटिलाइज करे चले गए, क्योंकि उनका केमिकल जो रसायन जा रहा था, इट वॉज गोइंग इन टू ऑल द ओपन वेल्स, तो किसान लोग भी झगड़ा करे, उसके बाद में कंपनीज क्लोज हो गए। लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि वी आर द हाईएस्ट ग्रोअर्स ऑफ सोयाबीन, सोयाबीन पूरा भारत में, इंडिया में हाईएस्ट कौन तो ग्रो करता है, तो बीदर डिस्ट्रिक्ट वाले, तो इनके लिए मैंने क्या रिक्वेस्ट किया, एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लाना, टेक्सटाइल क्लस्टर लाना, बाजू में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग जोन है जो जहराबाद जिले में और मेटल कुंटापल की इधर हमारे बॉर्डर में है, पिन टू लेके एयरप्लेन तक उधर इंडस्ट्रीज आ रहे, वही इंडस्ट्रीज एंसिलरी यूनिट बोलते हैं, उसके सब्सिडरी एंसिलरी यूनिट अगर इधर डालेंगे, वो क्यों डालेंगे? अगर हमारे गवर्नमेंट, आने वाली JDS सरकार अगर सब्सिडीज देगी, इलेक्ट्रिसिटी में रिबेट देगी, इंसेंटिव देंगे, तो अट्रैक्ट, एक 10 ईयर्स का टैक्स फ्री जोन बनाएंगे, तो इंडस्ट्रियलिस्ट अट्रैक्ट होंगे, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बैंगलोर, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, दे विल कम इन Tier 2 सिटीज जैसे कि बीदर है, उधर आके इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट उधर से क्रिएट होगा, किसानों को अच्छा फसल भी मिलेगा। दिस इज व्हाट इज माय, उनको सेकंड रिक्वेस्ट किया था सर, क्योंकि हॉस्पिटल के क्षेत्र में तो आप करते आए हैं, मेडिकल इसके लिए, उसके लिए तो कोई दोहराया नहीं है कि आपसे उसमें पूछना भी बेकार है। तो अभी हॉस्पिटल में इस साल हम 2 लाख चिल्लर पेशेंट्स को ट्रीट किए, और हमारे एक ही हॉस्पिटल था जो गुरुपाद अपन नागमारपल्ली फाउंडेशन की तरफ से, एट द टाइम ऑफ कोविड वी ओनली ट्रीटेड ईच पेशेंट बाय टेकिंग ओनली 1 रुपी, एंड हमारे पास एक भी डेथ नहीं हुआ। उस टाइम पे हम ऑक्सीजन का शॉर्टेज भी था, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड किए, साथ साथ में 50,000 फैमिलीज को फूड किट भी दिए, और कुछ बच्चे जिसके पास पैसे भी थे वो पूछते थे हमको, सर दूध भी, हमारे पास भी पैसे है, लेकिन हम दूध का भी अरेंज करके उनको वो भी बेच के उस तरह से भी मदद किए। इसके साथ में खाली वही नहीं किए हम, बट हॉस्पिटल की तरफ से हम एम्बुलेंस लिए, माजिद बिलाल बोल के उनको भी रखे साथ में, सोशल वर्कर रख के, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, वो विदाउट बिकॉज हम जिंदा रहते बोल के हमें भी मालूम नहीं था, लेकिन डेड बॉडीज 382 डेड बॉडीज जो
टॉर्चरी है, उसमें फुलअप फिल हो गए थे। हमें डीसी साहब का परमिशन लेके डेड बॉडीज को अंतिम क्रिया उनके उनके गांव को उनके उनके खेत में जाके किए। हमारा एक सेवा करने का भावना था, इसलिए हम समाज के साथ थे और किए। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि आपका मुकाबला किससे है। किसी से नहीं, जिस तरह से बीदर के तमाम लोग, तमाम कम्युनिटी, अवाम, क्रिश्चियन, एससी, एसटी, मुस्लिम, लिंगायत, ब्राह्मण सब मिलके एक तरफा से कर रहे हैं। दे वांट टू सी चेंज, एजुकेटेड क्लास चेंज देखना चाहते हैं और नया चेहरा देखना चाहते हैं, डेवलपमेंट माइंडेड है, कुछ काम आएगा। अगर कुछ पावर में ना रहते हुए 65,000 घरों का आज आयुष्मान भारत कार्ड बनाया, अभी 40,000 कार्ड रेडी है, और ओल्ड एज पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, वीडियो पेंशन, घर घर जाके एप्लीकेशन लेके हम ही वापस देके उनको सर्टिफिकेट दिए, अभी 40,000 कार्ड रेडी है। और इवन इन एजुकेशन सेक्टर ऑलरेडी ऐप करके रेडी है, 1,10,000 बच्चों को सिर्फ 1 रुपए में एजुकेशन देने वाले एज सून एज आई गेट इलेक्टेड। तो दैट ऑल्सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट, दैट इज ऑल्सो देयर इन आवर मैनिफेस्टो, वो भी करने वाले। एंड मेरे बेसिकली क्या है, बीदर को डेवलपमेंट करना है, बीदर के लोगों को। देखो हर साल 6,600 बच्चे पास होकर आते हैं, वेर आर द जॉब्स फॉर देम। आज माँ बाप उनका पेट काट के, उन्हें खुद खाते नहीं माँ बाप, मारे मेरे बच्चे को स्कूल का फीस भरना, मेरे बच्चे को ऐसा कपड़ा दिलाना, मेरे बच्चे को मोटर बाइक दिलाना। अगर मैं नहीं कहा तो भी पाप पैसा बचा बचा के माँ बाप बच्चे को करते। अगर बच्चे को पढ़ाने के बाद, डिग्री होने के बाद अगर नौकरी नहीं मिला तो माँ बाप नाराज होते। तो और बच्चों के हर माँ बाप को एक रहता कि मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने शादी कर ले, एक अच्छा जॉब मिल जाए और सुकून से उसका संसार चलाए, बल्कि हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है। वो ख्वाहिश पूर्ण करना चाहता हूँ और मुझे मालूम है लोग इस बार चांस दे रहे हैं मुझे। और जिस तरह से मैं हर गांव गांव गली गली फिर रहा हूँ, हर गांव वाले, हर हर कम्युनिटी वाले हेल्प कर रहे हैं और उनको सबको मालूम है मेरे को वोट डालने से बीदर का डेवलपमेंट होगा, बल्कि उनको भी मालूम है और सबके जहन में आ गए। सीरियल नंबर 5 को वोट डालना है, जेडीएस को वोट डालना है, बल्कि सबके जहन में भी आ गए और सब कर रहे भी उसी तरह से। और उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार भी हूँ, धन्यवाद भी हूँ फॉर ऑल द कम्युनिटी। आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीबडी फॉर दिस। सीनियर सिटीजन हो, यंगस्टर्स हो, एजुकेटेड क्लास हो, स्किल वाले हो, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या हुआ है हमारे में, जेडीएस सरकार का एक स्कीम है, ये जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वसहाय संघ, उनके पूरे संघ के महिला के पैसा पूरा माफी है। दैट इज वन ग्रेट एडवांटेज। वो खुद वो एक चीज एक आंदोलन हो गया है जेडीएस के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और आप खुद जानते हैं पिछले सरकार जब कुमार स्वामी जी मुख्यमंत्री थे, वो अकेले 24,000 करोड़ किसानों का माफ कर रहा हूं। तो सर कितने अंतर से आपकी ये जीत हो? सर अभी सब जिस तरह से जो मोहब्बत, जो प्यार जो दे रहे हैं, 1,00,000 से 1,25,00,000 वोट लेंगे सर इस बार, ज्यादा से ज्यादा लीड से जीतेंगे। फिर 5 साल में उनको मेहनत करना पड़ेगा और उनको मालूम है, तमाम लोगों को मालूम है मैं मेहनत करने वाला हूँ और निस्वार्थ हूँ, निष्कलंक हूँ, उनका सेवा करूंगा और वो मेरे को चांस देने वाले, इसलिए फिर और एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ। एंड आई वॉन्टेड टू टेल यू बिफोर थैंकिंग, हमारे पास 5,000 घर के लिए पूछा हूँ, परसों तो कुछ घर चले गए थे, लेकिन जिसका टिन के घर रहे उनको आरसीसी के घर रहे, और जिनको घर नहीं है हाउस फॉर द हाउसलेस बोल के स्कीम्स है वो भी लेके आके देना चाहते हैं हम, और रूरल के लिए और सिटी के लिए G+2 ला के देना चाहते हैं। उसके साथ साथ में हम हर गांव को, किसान को, आपको मालूम है जिनकी बेटी की शादी नहीं हुई उनकी बेटी के लिए 2,00,000 रुपए हमारे मैनिफेस्टो में भी है, और वो भी बहुत अच्छा मदद होगा समाज के लिए। और KMDC कर्नाटक माइनॉरिटीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 74 स्कीम है, टोटल इंडिया में 974 स्कीम्स है, वो पूरे स्कीम्स लेके आके यहाँ के यंगर जनरेशन, एल्डरली पीपल, सीनियर सिटीजन सभी को मैं अवेयरनेस क्रिएट करके हर जात को, हर कम्युनिटी को सेक्शन वाइज डेवलपमेंट करके दिखाऊंगा एक और। उसी लिए मुझे सबसे और एक बार ये माध्यम से आपको सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका इम्पोर्टेंट वोट है आपको संविधान में। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सभी को एक राइट दिया है, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए कि मैं दिल से सेवा करने वाला हूँ और आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, वही भरोसा रखता हूँ। वोट डाल के आशीर्वाद दीजिए, आने वाले 5 साल मैं खुद आपके पास काम करूंगा। वड़ा पाए अल्लाह वोट आकरी। तो ये थे हमारे पास जेडीएस के कैंडिडेट मिस्टर सूर्यकांत नागमारपल्ली, जो श्योर हैं कि इस बार उनकी जीत निश्चित है और वो एक बड़े अंतर से जीतेंगे। थैंक यू। कर्नाटक दलित संघर्ष समिति ने जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली को समर्थन देने का ऐलान किया है। समिति ने आज शहर के एक निजी होटल में प्रेस मीट में घोषणा की के विधानसभा चुनाव में बीदर उत्तर से जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली को समर्थन देना तय किया है।
इस अवसर पर राजकुमार मूल भारती, वहीद लखन, अमरीश खुदरे, अली खान सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। हम लोग कोई भी नहीं है, आप लोग वोटर्स नहीं है, पक्का आरएसएस माइंड जिनका तो है बोले तो वो रहीम खान का है। क्यों बोले तो मैं एग्जांपल आप दिया, मैं राजा राम काउंसलर के अपोजिट कैंडिडेट नहीं डाले इन्हों, तो ये आरएसएस मनुवाद है। ये मनुवाद को हटा के हम सेकुलरिज्म, ये जो माइंड है सूर्यकांत को, उनको लाएंगे बोलकर मैं आज हमारे ये मंच से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पूरे समुदाय के ओर से मैं अपील करना चाह रहा हूँ। ये आने वाले 10 तारीख को सूर्यकांत साहब एंड बंडप्पा साहब दोनों को जिता कर लाइए। और एक संदेश ऐसा देना चाह रहा हूँ मैं ये पूरे मंच से, और वो बाकी के जो तालुका है उधर कांग्रेस बसवा कल्याण विजय सिंह और भीमसेन राव शिंदे और हमारे पालकी ईश्वरराव खंडरे और हुमनाबाद राजशेखर पाटिल को कांग्रेस करना है, हमारे सब जिले के ये मंच से अपील करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दलित संगठन समिति की जानिब से जो बुलाई गई है, बिलखसूस आज के माहौल को देखकर, हालात को देखकर एक निर्णय लेने के लिए बुलाई गई है। हमारे डीएसएस के उमेश स्वाड़ीकर जी और राजकुमार साहब, ये तमाम लोग जो मिलकर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए, मैं इनका पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आज के हालात को देखकर जो इन्होंने निर्णय लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, बीदर एमएलए एक्स एमएलए जो यहाँ पर थे और ऐसे थे कि उन लोगों में नहीं थे, उससे हटकर भी जो है ना आज जो उन्होंने अपने आप को जो है ना, मैं बीदर का एक अच्छा साबित एमएलए हूँ, मेरे को जो है ना लोग तीन तीन बार जिता कर भिजाए और मेरे को जो है ना ऐसा हो रहा, मैं ये बात कहकर जो है ना वो लोगों के बीच में जो आ रहे हैं सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं उन लोग। पहले तो लोगों में इन्होंने थे ही नहीं और लोगों से कोई इनका तालमेल नहीं था, इनका तालमेल गिने चुने लोगों में था और इन्होंने एमएलए तो बन गए मगर पब्लिक लीडर नहीं बन सके, और उससे हटकर भी बीदर के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं आया। पूरे झूठे बातें झूठे वादे। आज देखो हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं, एक एमएलए को कितना बजट आता, एक एमएलए क्या कर सकता, कितना बजट है, 1,500 करोड़ का काम करेगा, 1,500 करोड़ का काम क्या करे भाई, आखिर मालूम तो होना ना 1,500 करोड़ कहाँ यूज़ हुए। ब्रिम्स हॉस्पिटल महिला आया, 100 बेड महिला आया, अरे कहाँ से लाए तुम काम ही। कल परसों देखे इलेक्शन से चार महीने पहले जो है ना ये रोडों का पैच करे खाली, बस वो भी एक दिखावा भाई, 15 साल में काम नहीं हुआ सो काम, 1-6 महीने में काम हुआ, वो मिनिमम थोड़ा बहुत काम हुआ। और इन्होंने जो बात कही आज इनको मुसलमान याद आ रहे, कम्युनिटियाँ याद आ रही, अरे भैया दलितों के लिए मुसलमानों के लिए क्या पैकेज दिए नो, दलितों के लिए कौन से डिपार्टमेंट में जाके बीसीएम डिपार्टमेंट के। टाइगर होराटा समिति का अध्यक्ष, हमारी संगठन से ये तय किए हैं कि एक सेकुलर आदमी, हम उनके पिताजी से देख रहे हैं और सूर्यकांत जी एक सेकुलर आदमी हैं, हम हमारे वोट हम सूर्यकांत जी के हक में करेंगे। अब मुसलमानों का तो हम ठेका नहीं लिए, हम बोल रहे हैं कि अच्छा आदमी है, और वोट जो है हम अगर खेत में अगर नौकर रख रहे हैं तो हंडा नौकर नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, उन्हें पानी नहीं छोड़ सकता, जोड़ सकता क्या, नहीं जोड़ सकता। तो 5 साल के लिए हम एमएलए अगर चुन रहे हैं तो अच्छा एमएलए चुनना चाहिए। आपके सामने कैंडिडेट है, आप अपने आँखों से देखो, उनके कारनामे देखो, उन्होंने क्या करे क्या नहीं करे वो सब देखो, देखकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करो। मैं बोलूँगा सारे मुसलमान नहीं, हम अपने घर का बोल सकते, हमारे दोस्त का बोल सकते हैं, मगर ये अपील है आप अपने आँखों से देखो कौन कैसा आदमी है, देख के वोट दीजिए आप, क्योंकि मस्जिद मंदिर का मामला नहीं है, मुसलमान को देना, हिंदू को देना, एससी को देना बोल के नहीं है, जो हमारे समाज का जो अच्छा करता है उनको वोट दीजिए आप। 10 तारीख के दिन ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए, हमारी ये गुजारिश है, ताकि हम भी बता सके स्टेट में कि बीदर के लोग ज़्यादा वोट करते हैं। जय हिंद, जय कर्नाटक। बीदर दल भाला जागृति समाज अद, नम समाज मुंदा निम्म सुळ्ळु हेळिकेगळन्नु यारू नेंपकोळ्ळक्के होगल्ल,
ನಿಮ್ಮದು ಸದ್ದಾ ಅದೇನಂತ್ರಿ ಮುಗಿದೋಗಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಥೇಳಿ ಜನ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಜನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರಿತಿಕ್ಕೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೇನೋ ಆವೇಶದಾಗ ಏನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಎರಡೇ ಜನ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ರೆಲ್ಲ ಏನೂ ಫರಕ್ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ. ಒಬ್ಬ ಫರಕ್ ಬೀಳ್ತದಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸುಳ್ಳರಿಗೆ ಇಂಥ ಸುಳ್ಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಧ್ಯಮದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಶೋಷಿತ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಕಳಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮತದಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗರಂಪಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ, ಬಂಡೆಪ್ಪ ಕಾಶಂಪುರ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. बीदर शहर के सबसे व्यवस्थित क्षेत्र अंबेडकर चौक पर सिंदोल पेट्रोल पंप से सटे एक नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है. सूत्रों के मुताबिक आज सुबह जब यातायात संचालन में आया तब लोगों ने नाले में एक व्यक्ति की लाश को देखा. तब कुछ लोग वीडियो बनाने में लगे रहे तो कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को सूचना दी, जिस पर समाजसेवी माजिद बिलाल ने मौके पर पहुंचकर शव को नाले से निकाला और सरकारी अस्पताल को ले गए. अभी तक व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हुई है जिसकी जांच की जा रही है. विशेष संवाददाता की रिपोर्ट. अब समाचार राज्य के. बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा ने सोमवार को दावा किया कि कांग्रेस नेता सिद्धरामैया वरना निर्वाचन क्षेत्र से बुरी तरह से चुनाव हारेंगे. वरना 2008 में अपने गठन के बाद से सबसे अधिक चर्चित निर्वाचन क्षेत्र में रहा है. यह सिद्धरामैया के परिवार का गढ़ रहा है और इसने कांग्रेस के लिए लगातार 3 जीत सुनिश्चित किए हैं, दो सिद्धरामैया के लिए और 2018 में एक उनके छोटे बेटे यतीन्द्र के लिए. भाजपा ने वी सोमण्णा को मैदान में उतारा है. सोमण्णा प्रभावशाली लिंगायत समुदाय से हैं. इस बीच येडियुरप्पा ने यह भी दावा किया कि भाजपा आगामी चुनाव में 130 से 135 सीटें जीतेगी और सरकार बनाएगी. पूर्व सांसद ने कहा कि 3 साल पहले कर्नाटक में जो सरकार सत्ता में आई वह चोरी थी. कांग्रेस नेता ने कहा, आपकी सरकार 3 साल पहले चोरी हो गई थी. आपने किसी को चुना और आपको कोई और मिल गया क्योंकि विधायक खरीदे गए थे. जो सरकार चोरी से आई है वह चोरी करेगी. यह चोरी के अलावा कुछ नहीं जानती है. वह 2019 में कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार के गठन के 14 महीने के भीतर गिरने का जिक्र कर रहे थे, जब 16 विधायकों को पाला बदलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था. इस तरह बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी थी 2019 में सत्ता में आई. इस्तीफा देने वालों में से अधिकांश ने बीजेपी के टिकट पर 2019 का उपचुनाव लड़ा और मंत्री बने. आश्चर्य है कि प्रधानमंत्री मोदी कभी भी भाजपा के अन्य नेताओं का नाम क्यों नहीं लेते हैं और रोड शो के दौरान उन्हें वाहन में कभी नहीं ले जाते. गांधी ने कहा कि 2 संभावनाएं हो सकती हैं. गांधी ने आरोप लगाया कि शायद वह नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई और दिखाई दे. दूसरी संभावना यह है कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनके पूर्ववर्ती बीएस येडियुरप्पा पूरी तरह से भ्रष्ट हैं और वह उन्हें आपसे छिपाना चाहते हैं. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे ब्रेक के बाद. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाई एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा. एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर.
फ़ोन नंबर्स 9945283920 8482127। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध है। ज्ञाना सुधा PU कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए PUC फर्स्ट ईयर, PUC सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा PU कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा PU साइंस कॉलेज में एडमिशन ओपन है, और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है, और वो भी मिनिमम फीस में, और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं, जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञान सुधा PU कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञान सुधा PU कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998 9019284868। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस पर अपने हमले को तेज करते हुए और कर्नाटक में कड़वे प्रदर्शन के लिए मंच तैयार करते हुए जहां 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार को समाप्त हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर राज्य को भारत से अलग करने का आह्वान करने और लेने का आरोप लगाया। देश के हितों के खिलाफ काम करने में अग्रणी मैसूर जिले के नंजनगुंडा में रविवार को एक चुनावी रैली के साथ अपने कर्नाटक अभियान को समाप्त करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का शाही परिवार देश में राजनीति को प्रभावित करने के लिए खुले तौर पर विदेशी शक्तियों को हस्तक्षेप करने के लिए उकसा रहा है, और भारत को नापसंद करने वाले विदेशी राजनयिकों से गुप्त रूप से मिलना। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कांग्रेस में टुकड़े टुकड़े गैंग की बीमारी इतनी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। कांग्रेस शाही परिवार इस कर्नाटक चुनाव में एक कदम आगे बढ़ गया है, परंपरा को तोड़ रहा है और देश की भावनाओं को कुचल रहा है। मैं पूरे हिंदुस्तान को बहुत दर्द के साथ बताना चाहता हूं, कांग्रेस शाही परिवार कल कर्नाटक आया और कहा कि वे रक्षा करना चाहते हैं कर्नाटक की संप्रभुता। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? जब कोई देश आजाद होता है तो उसे संप्रभु देश कहा जाता है। कांग्रेस कह रही है कि वह कर्नाटक को भारत से अलग मानती है। बीजापुर शहर से कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल मुशरिफ को शहर के शाहपुर गेट क्षेत्र के बकरखाटी खुरेशी सुन्नी जमात द्वारा मुशरिफ का सम्मान कर उन्हें समर्थन देने का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर जमात के प्रमुख सहित अन्य उपस्थित रहे। इस मौके पर उम्मीदवारों ने मीडिया से बात की। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। खसाब जमात से शाहपुर बेस के सामने हम आज ब्लॉक को गुलपोश करे, उनको हमें भी विनंती करे कि हमना होड भाव, हमना चुन को लाओ,
सब भी मिला को मेहनत करो, ये बार मुझे आशीर्वाद देखो, चुन लाओ कर को मेहनत करो। वालेकुम, नमस्ते। आज बीजापुर में शाहपुर दरवाजे में हमारे बकस खसाब खाटिक सुन्नी जमात के तरफ से हम लोग गुलफोशी किए हमीद मुशरफ साहब को और हौसला अफजाई किए। इंशाल्लाह आने वक्त में वो उनका साथ हम लोग देंगे। अस्सलाम वालेकुम। इकलास सुनने वाले फिश एक्सपोर्टर बीजापुर। हमारा अहले कुरैश बकर खसाब जमाशी और हमीद मुशरफों को गुलफोशी की गई है और हिम्मत अफजाई दी है और आने वाले चुनाव में हम साथ देंगे। अब्दुल दाऊद साहब कल्याण। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को जनता से आगामी कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को चुनने की अपील की और राज्य में भाजपा शासन को मुसीबत का इंजन सरकार बताया। इस संबंध में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर का सहारा लिया और कहा, डबल इंजन सरकार द्वारा लगाए गए मूल्य वृद्धि को हराए, 40% कमीशन सरकार की लूट बंद करे, कांग्रेस का चुनाव करे, प्रगति का चुनाव करे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार ने परिवारों का बजट बिगाड़ दिया है। खड़गे ने अपने ट्वीट में कहा, उन्होंने राज्य को लूट लिया, उन्होंने आपकी बजट को लूट लिया है, डबल इंजन डबल द्रोहा है, बुद्धिमानी से चुने, कांग्रेस को वोट दें। मैं अपने बेटे डॉक्टर अरुण सोमन्ना के लिए बेंगलुरु गोविंद राज नगर निर्वाचन क्षेत्र को खाली करके चुनावी राजनीति से संन्यास लेना चाहता था, लेकिन पार्टी आलाकमान ने मुझे वरुणा और चामराजनगर निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। सिद्धरामैया के खिलाफ चुनाव लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, आवास मंत्री वी सोमन्ना ने कहा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वह 72 साल के हैं और 11 चुनाव लड़ चुके हैं और 3 चुनाव हारे हैं। मैं चुनावी राजनीति से गरिमा के साथ सेवानिवृत्त होना चाहता था और गोविंद राजनगर से मेरे बेटे को मैदान में उतारने के लिए पार्टी आलाकमान से अनुरोध किया था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पार्टी ने मुझे वरुणा और चामराजनगर से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। सोमन्ना ने कहा कि 3 महीने पहले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष उनके घर आए और उनसे बात की। बाद में उन्हें आदि चुनचनगिरी मठ में पार्टी के केंद्रीय नेताओं से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां उनसे गोविंद राजनगर के विकास पर सवाल किया गया। बाद में उन्हें पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए दिल्ली आने को कहा गया। पार्टी आलाकमान ने कहा कि वे मुझे वरुणा और चामराजनगर से चुनाव लड़ने का काम दे रहे हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं 72 साल का हूं और सम्मान के साथ राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं और अपने बेटे के लिए टिकट मांगा। मैं वरुणा के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन 20 दिनों के भीतर मैंने निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांव का दौरा किया। यह पूछे जाने पर कि क्या गोविंद राजनगर से टिकट से इंकार करना और उन्हें वरुणा और चामराजनगर से चुनाव लड़ने का निर्देश देना पार्टी आलाकमान द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में उनके खराब प्रदर्शन के लिए सजा है, सोमन्ना ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि केंद्रीय नेताओं ने उन्हें 2 सीटों से चुनाव क्यों लड़ाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो पूरे कर्नाटक में बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं, उन्हें विश्वास है कि भाजपा 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी और राज्य में लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने कहा, हम आधे अंक 113 से कम 15 सीटें अधिक जीतेंगे। इसका कारण यह है कि हमारी सरकार के 4 वर्षों के दौरान हम मोदी जी के कार्यक्रमों को धरातल पर सफलतापूर्वक लागू करते रहे हैं। इसने केंद्र सरकार के सभी कार्यक्रमों के लाभार्थियों का एक वर्ग बनाया है। यदि आप ओवरलैपिंग को हटा भी दे तो यह लगभग 70 लाख परिवार होंगे जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है। वो गलिंगा या लिंगायत या कुर्बा के आंदोलन को देखने वाली सभी पारंपरिक गणना गलत साबित होगी। शाह ने कहा कि वह पिछले 9 वर्षों में सभी चुनाव में शामिल रहे हैं और लगभग सभी सर्वेक्षणों में भाजपा की हार की भविष्यवाणी की गई है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि विचारकों का क्लब और जमीन पर काम करने वाले अलग अलग हैं। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा कि विचारकों का क्लब हमें हरा देता है, लेकिन जमीन पर काम करने वाली टीम पार्टी की जीत सुनिश्चित करती है। जाहिर तौर पर एंटी इनकम्बेंसी को मात देने के लिए कई वरिष्ठ नेताओं को टिकट देने से इनकार करने और नए चेहरों को मैदान में उतारने की भाजपा की रणनीति पर उन्होंने कहा कि पिछले 10 चुनाव में पार्टी ने हमेशा अपने 30% उम्मीदवारों को बदल दिया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागवनपल्ली ने कहा, सभी का समर्थन उनके साथ है और उनकी जीत तय है। कर्नाटका दलित संघर्ष समिति ने जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागवनपल्ली को समर्थन देने का किया ऐलान। बीएस येदियुरप्पा का कहना है कि सिद्धरामैया वरुणा से चुनाव बुरी तरह से हारने जा रहे हैं।
राहुल गांधी का आरोप है कि कर्नाटक में जो सरकार सत्ता में आई चोरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी परिवार पर कर्नाटक में हमला तेज किया। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।